हमारे डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स चल रही हैं मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले जो पिछले साल जो स्कीम लॉन्च हुई है पीएमएमएसवाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें कोल्ड वाटर में जहाँ ठंडा पानी है वहाँ पर हम ट्राउट फिशरीज़ का कल्चर करते हैं, उसके लिए जो स्कीम है कि ट्राउट जो करते हैं जो जिसके पास वाटर सोर्स है वो हमें एप्लीकेशन दे सकता है, और उसके जो है कंस्ट्रक्शन कास्ट है 3 लाख रुपये, इसमें सब्सिडी पैटर्न है उसको मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी में है तो उसको 40%, 1,20,000 मिलेगा, बाकी उसने अपने से करना है। और जो इनपुट कास्ट जो फीड सीड है उसका भी 2.5 लाख रुपये है, उसका भी 40% मिलेगा, बाकी उसे अपने से करना है। इसी तरह जो हमारा बारम एरिया है जो गर्म इलाका है, जैसे ये उधमपुर का हो गया, मजालता हो गया, बडोला हो गया, काबा वगैरह, इसमें कार्प कल्चर होता है, कार्प यूनिट, जिसकी टोटल कास्ट है 1,27,000 रुपये, इसमें 40% उसको भी कंस्ट्रक्शन कास्ट मिलेगी और इनपुट कास्ट जो 22,000 मिलेगी। इसके लिए जो एरिया चाहिए होता है वो 3 कनाल एरिया चाहिए होता है, उसके पास वाटर सोर्स होना चाहिए 3 कनाल, ये पॉन्ड टोटली कच्चा बनेगा। और ये इनपुट कास्ट हम सीड फीड उसको प्रोवाइड करेंगे, हम जो उसके 40% हम देंगे और बाकी वो खुद लगाएगा। इसमें तीसरा है कि जो फिशरमैन हैं हमारे जो नदी नालों में मछलियाँ पकड़ते हैं, जो पुराने हैं बीपीएल कैटेगरी में, उनके लिए है हाउसिंग के लिए लो कास्ट हाउसिंग स्कीम, उसमें पीएमएवाई के पैटर्न पर ही उनको हाउसिंग दिया जाता है, पूरे सर्वे करके जो बीपीएल कैटेगरी में होगा उसमें 1,30,000 रुपये हम देते हैं। ये 90-10-90 जो सी एस सेंट्रल शेयर होता है और 10% जो है यूटी शेयर आ जाएगा, इसमें 1,30,000 रुपया हम देते हैं। और इसमें कि आजकल जो फिशरीज डिपार्टमेंट में केसीसी भी हो गया, जिसके जो लोग अपना फिशरीज काम कल्चर कर रहे हैं वो केसीसी ले सकते हैं। अभी तक हमने 18 लोगों को स्पॉन्सर किया था इस केसीसी में, जिसमें 9 सेंक्शन हो गए हैं और 6 रिजेक्ट हो गए थे और 4 अभी हमारे पेंडिंग हैं, 2 अभी 6 डिसबर्स भी हो गए हैं और 2 उसमें पेंडिंग हैं। इसके साथ जो बड़ा यूनिट कोई लगाना चाहता है, जैसे अब नई स्कीम भी आई है बायोफ्लॉक में, उसमें क्या है कि बड़ा यूनिट तो हमारे पास है नहीं अभी, मगर जो छोटा जो है इसमें 7 लगते हैं, इसकी टोटल कास्ट है 7,40,000 रुपया, उसमें भी वही पैटर्न है 40-60 का, 40% जनरल कैटेगरी वालों को मिलेंगे और 60% जो है SC ST वुमेन इनको मिलेंगे। इसमें जो क्या होता है कि सर्कुलर टैंक बनाने होते हैं, जो बंदा लगाना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमारा ऑफिस है जो जिखैनी में है, गुजर हॉस्टल के सामने है, साथ में है। और इसके साथ साथ जो हमारे फिशरमैन होते हैं, ये लाइसेंस जो हम इनको देते हैं ये ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हो जाते हैं, इसको अगर खुदा ना खास्ता जो फिशिंग करने के लिए गया है अगर वो कहीं वो डेथ हो जाती है उसकी, उसके लिए जो इंश्योरेंस है 5 लाख रुपये जो गवर्नमेंट उसको देती है। अगर उसको कहीं परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, टांग टूट गई है, जहाँ बाजू जो वो काम करने के काबिल नहीं रहता है, उसको 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। और जो थोड़ी बहुत फ्रैक्चर वगैरह हुआ था उसके लिए 20,000 रुपये जो हॉस्पिटल एडमिट के लिए जो फीस वगैरह वो देती है। इसके साथ साथ जो हमारे जो फिशरमैन है, जो रजिस्टर्ड फिशरमैन है, उनके लिए स्कीम जो लो कास्ट हाउसेज वो भी है, उसकी जो लास्ट डेट है 15 अगस्त को रखी हुई है, तब तक वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म हमसे भी ले सकते हैं, जहाँ तो किसी फोटो स्टेट दुकान पर भी वो अवेलेबल है वहाँ से ले सकता है, वो हमें सबमिट करवा दे डॉक्यूमेंट, वो हमने उसके साथ ही रखा है, डोमिसाइल होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके लाइसेंस वगैरह, वो नॉर्मल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो इजीली है, वो हो जाती है।